सलाम दोस्तों, आज आपके बीच आया हूँ क्योंकि एक छोटी सी दुविधा में फंस गया हूँ और उसका समाधान लेने ही मैं आपके पास आया हूँ, कोई भी ज्ञान देने नहीं आया हूँ। हाँ, इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से मैं ये सोचता था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ दे सकूँ, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है लोगों को होने वाली बीमारियाँ। ये बात अलग है कि उनके कारणों पर बात करूँगा तो वो समझ में आएगा, लेकिन इस स्वास्थ्य लाभ को देने के लिए मैं कुछ दिनों से कुछ रिसर्च कर रहा था। रिसर्च जाके एक ऐसी जगह पहुँची कि जहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। लेकिन सच बताएं, हैरानी तब हुई जब मुझे उस चीज़ के साथ इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे तो साक्षात वो एनर्जी मिल गई जो परमात्मा की एनर्जी, क्योंकि उसके साथ जो अनुभव हो रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, वो तो मैं अनुभव से गुजरा हुआ हूँ इसलिए जानता हूँ कि ये वो चीज़ है जो न जाने कितने साधक हिमालय पे जाके ढूंढ रहे हैं, न जाने कितने साधक संन्यास लेके शिविरों में जाके ढूंढ रहे हैं, अचानक मेरे हाथ वो लग गया। एक तरफ स्वास्थ्य लाभ भी उससे मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है अध्यात्म के वो अनुभव भी हो रहे हैं जिसके लिए हर साधक तरसता है। अब मैं क्या कहूं, अब दुविधा यह है जिसके लिए आपके पास मैं आया हूं। हम लोग आपने एक शब्द आजकल देख रहे होंगे, सखा वेलनेस। मैं तो आपका भला ही चाहता हूं, वेलनेस ही चाहता हूं, लेकिन स्वास्थ्य के तरीके से चाहूं कि आपको बताऊं कि आप परमात्मा के तरीके से लें। जबकि गजब की बात यह है कि जो परमात्मा के तरीके से इसको लेगा उसको स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ लेगा उसे परमात्मा का अनुभव हो ये जरूरी नहीं है, ये भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे किस रूप में लेना चाहते हैं? आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ बहुत जरूरी है या आपको परमात्मा की उस अनुभूति से गुजरना, वो आनंद से गुजरना जो कभी बालकपन में हमारी आंखों के सामने हुआ करता था, उस एनर्जी को उपलब्ध होना जो दिन भर काम करने के बाद भी थकान नहीं होती थी, आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य लाभ लेना है आपको, फेफड़े ठीक करने हैं, हृदय ठीक करना है, कैंसर ठीक करना है, जो भी ठीक करना है वो भी हो सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि अस्पताल मिल गया है, कि आपको इसके बारे में बताऊँ कि मुझे परमात्मा मिल गया है जो मैं आप तक भी बहुत आसानी से दे सकता हूँ एफर्टलेस तरीके से। ये मेरी एक दुविधा चल रही है, मैं बहुत जल्द पूरी बात का अनाउंस करना चाहूँगा, लेकिन मेरी इस दुविधा का आप लोग समाधान करें, मुझे बताएं कि आप इसे किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे, मैं उसी रूप में आपके सामने उसको लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज के इस युग में जहाँ सांस लेने पे भी लगभग टैक्स होने जा रहा है, वहाँ पे कोई भी काम करने में बहुत तरीके की टेक्निकली और लीगली प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के तहत मुझे बहुत जानना ज़रूरी है कि आप इसको किस रूप में ज़्यादा आत्मसात करेंगे, ज़्यादा गले लगाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सन्यासी के हाथ में कुछ ऐसा लग गया हो कि जो वो सबको आसानी से दे सके। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में परमात्मा ने मुझे योग्य समझ के या अयोग्य और मासूम या बेवकूफ समझ के मुझे कुछ ऐसा दे दिया जो मैं उससे आपको सीधे परिचित करवा सकता हूँ और वही आपका सारी समस्याओं का समाधान करेगा। पूरी बात फिर करने आऊँगा किसी वक्त, अभी जो कहने आया था वो इतनी सी बात थी, तुरंत ही भाव उठा कि आप ही से पूछूं क्योंकि आप ही को चाहिए। प्रणाम।